हेलो ऑल, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो हमारे देश में तो पायस यानी कि पायसम या फिर जो खीर बोलते हैं, बहुत टाइप्स के बनते हैं, जैसे कि चावल के खीर, गेहूं के दालिया के खीर बनते हैं, और फिर मखाने के खीर बनते हैं, सेवैया के खीर बनते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के खीर बनते हैं। हम फेस्टिवल्स में खीर बनाते हैं और हम भगवान को भी चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में खीर। तो अगर खीर में कुछ गड़बड़ हो जाए कभी किसी वजह से, बहुत बड़े बड़े कुक से भी कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं, सेवैया के खीर भी हम बहुतों को पसंद है। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के खीर होते हैं। तो अगर फ्रेंड्स खीर बनाने के टाइम अगर हम बनाने के बाद देखेंगे कि खीर बहुत घना हो गया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मिल्क ऐड ना करके मिल्क में यानी कि दूध, एक कप दूध में थोड़ा शक्कर मिला लेंगे, और उसके बाद अगर खीर में हम देंगे तो खीर का जो स्वाद है वो बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं और खाने का स्वाद बिल्कुल अच्छा रह जाएगा। इसके बाद क्या होता है, कभी कभी हम खीर जब बनाते हैं तो बनाने के बाद में हम देखते हैं कि वो ज़्यादा पतला हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो, यह मैं नया एक टिप दे रही हूँ, आप कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकते हो, या फिर अगर कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप मिल्क पाउडर थोड़ा सा मिल्क में ले कर अच्छे से घोल के ये आप जो पतला खीर बना है उसमें आप ऐड कर सकते हो। और जो थर्ड ऑप्शन है, ये तो सभी को मालूम है, 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च जो होता है वो लेके अच्छे से घोल के, थोड़ा पानी में घोल के आप अगर खीर में दोगे, पतला जो खीर है वो घना हो जाएगा, देखिए ऐसे। तो आप ये तीनों टिप्स में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जो खीर है अगर पतला हो गया है तो देखिए ऐसा परफेक्ट खीर बन जाएगा। अगर आपकी करी यानी कि जो सब्जी या फिर जो करी आपने बनाया है वो ज़्यादा तीखा हो गया है यानी कि मिर्च ज़्यादा हो गया है, तो इसमें आप जो मलाई होता है, जो फ्रेश क्रीम होता है, वो अच्छे से फेंट के आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप शक्कर भी ऐड कर सकते हो और अच्छे से मिक्स कर सकते हो, इससे जो तीखापन है वो कम हो जाएगा। और फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, हमारे जो खीर यानी के पायसम है वो कभी कभी बनाने के टाइम क्या होता है, तले से नीचे से पकड़ लेता है, जल जाता है, तो इसका एक बहुत ही ख़राब स्मेल आता है। तो इस टाइम क्या करना है, एक अलग बर्तन में निकाल के खीर को आप 2 पान के पत्ते खीर में दे के अच्छे से उबाल लोगे तो स्मेल चला जाएगा। और आप पान के पत्ते की जगह आप केसर भी यूज़ कर सकते हो। केसर यूज़ करने से क्या होगा, ये जो स्मेल है वो चला जाएगा और आपके खीर में एक बहुत बढ़िया कलर भी आ जाएगा। और फ्रेंड्स आप केसर की जगह केवड़ा वाटर होता है, जो केवड़ा वाटर वो भी आप ऐड कर सकते हो। केवड़ा वाटर देने से क्या होगा, जो बदबू होगा, जो बांड स्मेल होता है वो चला जाता है। इसके अलावा आप छोटी इलायची भी दे सकते हो खीर में, इससे भी क्या होगा, जो स्मेल है ख़राब वो चला जाएगा, बहुत ही अच्छा आपका खीर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरे ये टिप्स आप लोगों को अच्छा लगे तो एक शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।